सुभान अल्लाह, नमाज ईद अदा हो चुकी है। तुलू होगा तो मस्जिद अल हरम में ईद की नमाज अदा कर दी जाए। वो सामने क्लॉक टावर मक्का, तो क्लॉक टावर मक्का के ऊपर देखें लाइटिंग, तो एक घर के ऊपर आतिशबाजी की जा रही थी। ये सऊदी लोग ईद की खुशी में रात को चांद रात को आतिशबाजी करते हैं। मैं अभी जाऊंगा मस्जिद अल हरम, तो वहां जाकर ईद की नमाज का इंतज़ार करेंगे। अब ये देखें, ये आतिशबाजी हो रही है। सिलोन यहाँ पर देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। तो ये देखें सभी कारीगर काम में मसरूफ। ये देखें सामने क्लॉक टावर मक्का पर ये लाइट्स जगमगा रही हैं। ये है तरीक मुल्क फैसल बिन अब्दुल अजीज़। ये देखें ये हैं दुकानें के सिलसिले में लोग इन दुकानों पर मौजूद। ये देखें इनके पास है यहाँ पर टॉफियाँ। ये भाई भी जा रहे हैं मस्जिद अल हराम में ईद की नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, ईद मुबारक। ईद के लिए जा रहे हैं नमाज के लिए मस्जिद अल हराम में? माशाल्लाह, जज़ाक। वो है सामने क्लॉक टावर मक्का। तो अभी टाइम जो है 2:30 बज चुके हैं। ये सभी लोग जा रहे हैं मस्जिद अल हराम में ईद की नमाज अदा करने के लिए। ये जो मस्जिद अल हराम का नया हिस्सा है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, तो उस तरफ जा रहे हैं। बनाया गया है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी तो नमाज़े फजर हो चुकी है और उसके बाद जो जनाजा है वो भी हो चुका है। तो अभी तकबीरात ईद उल फितर की जो तकबीरात हैं वो शुरू हो चुकी हैं। भाई ये खजूरें और टाफियां तकसीम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली है, तो अब खुतबा होगा ईद का खुतबा, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे। खुतबा शुरू हो चुका है। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذل الذل له العز والافتقار والافتقار إليه لنا والاعتماد عليه قوة وعلى जी। तो खुतबा हो चुका है मुकम्मल, तो अब लोग अपनी अपनी सफ़े छोड़ चुके हैं। तकरीबन आधे लोग तो जो थे खुतबे से पहले ही जा चुके थे, आधे लोगों ने तो तकरीबन खुतबा नहीं सुना, हालांकि खुतबा सुनना ज़रूरी है। तो बाकी लोग जो हैं खुतबा मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बाद वापस जा रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, यहाँ पर दो रास्ते इकट्ठे होते हैं, ये सफ़ा मरवा के सेन से बाहर आने वाला रास्ता और ये किंग फहद गेट से बाहर आने वाला रास्ता। ये किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की तरफ से आने वाले, और इस तरफ है सफ़ा मरवा के बाहर जो सेन है वहाँ से आने वाले लोग, और यहाँ पर पहुँच कर हो जाते हैं सभी इकट्ठे। तो यहाँ देखें कितनी बड़ी तादाद जा रही है वापस, हालांकि पहले इससे भी ज़्यादा रश था। मैं तो तकरीबन दो घंटे बाद बाहर निकला हूं, पहले बहुत ज़्यादा रश था, तो लोग पहले काफ़ी जा चुके हैं। सुभान अल्लाह, नमाज ईद अदा हो चुकी है। नमाज ईद के बाद ये इस रोड पर आप रश देख सकते हैं, ये गज़ा कुबरी के मैं ऊपर खड़ा हूँ गज़ा फ्लाईओवर के, तो आप नीचे का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग वापस अपनी रहायश गाहों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बसें हैं ये उमरा ज़ायरीन को लेकर उनके जो होटल हैं वहाँ पर छोड़ रही हैं। ये देखें ट्रैफिक जाम हो चुकी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जाम हो चुकी है। ये ईद के बाद के खूबसूरत मनाज़र मस्जिद अल हराम से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें मुसलसल लोग मस्जिद अल हराम से बाहर निकल रहे हैं, मैं तकरीबन दो घंटे बाद मस्जिद अल हराम से बाहर आया हूँ। हालाँकि अगर मैं जैसे ईद की नमाज़ ख़त्म हुई थी तो उस वक्त आता तो फिर यहाँ देखने वाला हजूम का मनाजर थे, देखने वाले जो मनाजर थे। तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन दो घंटे पहले तो यहाँ बिल्कुल ये रोड भरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हज के दिनों में होता है। तो बिल्कुल आज लग ही ऐसे रहा है जैसे हज के दिनों में यहाँ लोग होते हैं, सुभान अल्लाह। और वो है सामने क्लॉक टावर, सुभान अल्लाह, ये देखें